न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। श्रीलंका सीरियल ब्लास्ट, जेडीएस के साथ नेता लापता, छुट्टियां मनाने गए थे कोलंबो। श्रीलंका में रविवार को हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक 290 लोगों की जान चली गई है। यहां बारी बारी से कुल 8 बम धमाके हुए। इस नरसंहार से पूरी दुनिया हिल गई है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल धमाकों के बाद कोलंबो में छुट्टियां मनाए गए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के साथ नेताओं भी लापता बताए जा रहे हैं और इन नेताओं से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरपाई मोइली का कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के बाद ये नेता छुट्टियां मनाने श्रीलंका गए थे। ये नेता उसी शंगरीला होटल में ठहरे हुए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ था। आपको बता दें कि इस तरह के मौके पर गिजा घरों तथा होटलों में हुई बम धमाकों में 290 लोग मारे गए जिसमें 6 भारतीय भी शामिल है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हमले में मारे गए विदेशियों से कम 6 भारतीय नागरिकों भी शामिल हैं। 6 भारतीयों के नागरिकों के शामिल होने की भी खबर है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।